अस्पताल में भर्ती कराया। आज की तारीख में पूरी दुनिया पीएम मोदी की कायल हो चुकी है। क्या इंटरनेशनल मीडिया, क्या अंतर्राष्ट्रीय नेता, सभी पीएम मोदी की वैक्सीन मैत्री की जमकर तारीफ कर रहे हैं। दरअसल भारत ने इस 55 दिनों के अंदर 71 देशों को कोरोना वैक्सीन के 6 करोड़ डोज भेज चुका है। ये खुद में एक मिसाल है। यही वजह है कि कोरोना काल में पीएम मोदी की नीतियों के तहत भारत ने जिस तरह पूरी दुनिया की मदद की है, उसे देखकर हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्व बंधुत्व भावना को सलाम कर रहा है। भारत बना विश्व बंधु। इकहत्तर देशों को भेजी वैक्सीन। 55 दिनों में 6 करोड़ डोज भेजी। पीएम मोदी की वैक्सीन मैत्री। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। बस इसी मंगल कामना के साथ पीएम मोदी ने विश्व बंधुत्व की एक ऐसी मिसाल कायम की कि आज पूरी दुनिया भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुरीद हो गई है। जहां अमेरिका और यूरोप के कई देश वैक्सीन बनाकर अपने देश में वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं, वहीं भारत अपने नागरिकों की वैक्सीनेशन के साथ साथ दुनिया के कई देशों की भी मदद कर रहा है। और पीएम मोदी बड़े ही सहज और सरल तरीके से इसका पूरा श्रेय मानवता की सेवा भाव को देते हैं। भारत में आज जो विमान वैक्सीन की लाखों डोज लेकर दुनिया भर में जा रहे हैं, वो खाली नहीं आ रहे हैं। वो अपने साथ भारत के प्रति बढ़ा हुआ भरोसा, भारत के प्रति आत्मीयता और उन देशों का लोगों का स्नेह और बुजुर्ग जो बीमार हैं उनके आशीर्वाद, एक भावात्मक लगाव लेकर के ये हमारे जहाज भर भर के आ रहे हैं। और ये संकट काल में जो भरोसा बनता है वो केवल प्रभावी पैदा नहीं करता, ये भरोसा चिरंजीव होता है। यही वजह है कि भारत की वैक्सीन मैत्री की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। दरअसल भारत ने कोरोना काल में महज 55 दिनों के अंदर 71 देशों को वैक्सीन के 6 करोड़ डोज भेजे हैं। इन 6 करोड़ वैक्सीन डोज में से करीब 81 लाख वैक्सीन डोज भारत ने अपने पड़ोसी देशों को बतौर गिफ्ट भेजे हैं। इतना ही नहीं, भारत ने कोवैक्स मैकेनिज्म के तहत 1,65,00,000 डोज संयुक्त राष्ट्र को भेजे हैं। 3,39,00,000 डोज कमर्शियल डील के तौर पर भेजे गए हैं। भारत में बनी स्वदेशी वैक्सीन दुनिया के 37 देशों को मुफ्त भेजी गई है। बड़ी मात्रा में चाहिए होगा, इसलिए भारत अकेला देश है जो इतनी बड़ी उत्पादन कर सकता है और ये वैक्सीन पूरे विश्व में मुहैया करा सकता है। इसलिए ये महामारी के चलते जो आज भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है, उसी वजह से मुझे लगता है कि भारत का जो साख है, प्रभाव है या दोस्ती है पूरे विश्व में, उसको बढ़ाने में हमें सहायता मिलेगी और इस महामारी से विश्व को बचाने में भी भारत बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। भारत ने न सिर्फ अपने पड़ोसी देशों को बल्कि एशिया के कई मुल्कों समेत अर्जेंटीना, ब्राजील, इजिप्ट और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को भी वैक्सीन भिजवाई है। पाकिस्तान के साथ भले ही हमारे संबंध अच्छे नहीं चल रहे हों, लेकिन फिर भी भारत ने बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए कोवैक्स मैकेनिज्म के तहत पाकिस्तान को भी मेड इन इंडिया वैक्सीन भेजी है। भारत की इस वैक्सीन मैत्री की सबसे लाजवाब बात यह है कि जिन देशों को वैक्सीन भेजी गई है
उनमें से 50% कम विकसित देश और एक तिहाई छोटे आइलैंड देश हैं। भारत में विकसित की गई वैक्सीन को 92 देशों ने मंगवाया है। भारत के इस कदम की तो वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर विविन रिचर्ड्स ने भी तारीफ की है। Wonderful contribution that India would have made to our country, which is the vaccine. We thank you so much on behalf of the Antiguan and Barbudan people. We look forward also that in the future, continued relationship. Thank you very much, Prime Minister Modi, and to thank the High Commissioner to our region. We also thank all the people of India for such a kind gesture. Thank you, thank you. डोमिनिक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरेट ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिख उनके देश को वैक्सीन के 70,000 डोज भेजने की गुजारिश की है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि मैं बड़े विनम्र और आदर भाव से आपको हमारी आबादी को सुरक्षित करने के लिए वैक्सीन के 70,000 डोज मुफ्त भेजने की गुजारिश कर रहा हूँ। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी ने पूरी दुनिया को पीएम मोदी का मुरीद बना दिया है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। दरअसल कुछ हफ्ते पहले देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ टिप्पणी कर दी थी। जब उनको जरूरत पड़ी तो उन्होंने हिंदुस्तान से कोरोना वैक्सीन मांगने में कोई कोताही नहीं की। जवाब में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान अपने वायदे के मुताबिक दुनिया के हर मुल्क को मानवीय आधार पर कोरोना वैक्सीन देने के लिए प्रतिबद्ध है। 4 मार्च को कोरोना वैक्सीन की 5,00,000 डोज कनाडा को भेज दी गई। उसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद बन गए। भारत की वैक्सीन मैत्री को चीन को चुनौती के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल दुनिया भर में कोरोना महामारी को फैलाने के मुद्दे पर चीन पहले ही बड़े और ताकतवर मुल्कों के निशाने पर है। इतना ही नहीं, चीन ने भारत के कई पड़ोसी देशों को वैक्सीन मुहैया कराने की बात कही थी, लेकिन चीन की वैक्सीन का अभी भी कई देश इंतजार कर रहे हैं। वहीं भारत चीन से पहले कई देशों को वैक्सीन भेज भी चुका है, यानी अब दुनिया चीन की बनाई वैक्सीन की मोहताज नहीं है। भारत की वैक्सीन, भारत की जो प्रभाव है उसको आगे बढ़ाने में बहुत फायदा पहुंचाएंगे भारत को, क्योंकि भारत का जो एक तरह से छवि है पूरे विश्व में वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है पूरे दूसरे देशों को। और दुनिया के कई देशों में वैक्सीन बनने के बावजूद दुनिया अभी भी कोरोना से जंग लड़ रही है, लेकिन भारत ने कोरोना के खिलाफ इस जंग में जितना अहम योगदान दिया है उसे पूरा विश्व सलाम कर रहा है। यही वजह है कि 12 मार्च को क्वाड देशों के पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन में वैक्सीन उत्पादन पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी भारत पर ही भरोसा जताया। इस शिखर सम्मेलन में यह तय किया गया कि वैक्सीन अमेरिका में विकसित की जाएगी, लेकिन इसका निर्माण भारत में होगा। जापान और अमेरिका आर्थिक व्यवस्था करेंगे, ऑस्ट्रेलिया वैक्सीन विकास योजना में मदद करेगा। इस सम्मेलन में साल 2022 तक आसियान देशों, प्रशांत महासागर के देशों और दुनिया के दूसरे देशों को करीब 1 बिलियन वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। 4 बड़े देशों का आपस में तालमेल बढ़ता है तो भारत की जो हैसियत है उस वैक्सीन को बनाकर पूरे विश्व में भेजने की वो और भी बढ़ जाती है। हाँ, क्योंकि ये अचानक वैक्सीन को लेकर दोस्ती और भी सुदृढ़ हुई है ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के 4 देशों में, तो उसका जो उनकी रक्षा सुरक्षा की सोच है, सामरिक जो उनका जो पूरा ध्येय है कि चीन की चुनौती को किस तरह से सुलझाया जाए, उसको भी इसमें और सहायता मिलेगी। भारत का विश्व बंधुत्व का ऐसा भाव देखकर ही पूरी दुनिया आज की तारीख में भारत की तारीफ कर रही है। इंटरनेशनल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनॉम गेब्रियसस भारत और प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ कर चुके हैं। टेड्रोस ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि वैक्सीन के लिए भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया। आपकी कोवैक्स और COVID-19 वैक्सीन दुनिया के साथ साझा करने से 60 से ज्यादा देशों में हेल्थ वर्कर और दूसरे लोगों का वैक्सीनेशन शुरू करने में मदद मिली है।
मुझे उम्मीद है कि दुनिया के दूसरे देश भी आपसे सीख लेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स भी अपनी एक रिपोर्ट में ये प्रकाशित कर चुका है कि भारत दुनिया का बेजोड़ वैक्सीन निर्माता, अपने पड़ोसी दोस्तों और गरीब देशों को करोड़ों की संख्या में वैक्सीन के टीके उपलब्ध करा रहा है। भारत ने बड़ा दिल रखते हुए जब अपने वैक्सीन के दरवाजे खोले, वैक्सीन मैत्री के तहत, वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत वैक्सीन दूसरे देशों को ऑफर की, तो 92 देश एक साथ लाइन में खड़े हो गए। 71 देशों को हम सप्लाई कर चुके हैं वैक्सीन, और इसकी सराहना पूरा विश्व कर रहा है। भारत इन सभी देशों का आने वाले समय में एक घनिष्ठ मित्र कोरोना वैक्सीन के कारण